हेलो गाइस, कैसे हो? तो दोस्तों, जो थंबनेल में लिखा हूँ उसमें 110% सच्चाई है कि एक वर्कर ने कंपनी पे केस करके 50 लाख रुपया उसको मिला है दोस्तों। और ये स्क्रीनशॉट में लगा भी देता हूँ क्योंकि खलीफ टाइम्स में आया है दोस्तों। ये गवर्नमेंट का खुद पेपर है, खुद न्यूज़ पेपर है, तो ये कोई गलत नहीं हो सकता क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद इसको पब्लिक किया है। तो प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ दोस्तों कि कैसे मिला उनको और क्या कारण है मिलने का। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे जरूर सेलेक्ट करना क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो मैं आपके लिए बनाते रहता हूँ। और आपको मालूम है मैं ज़्यादातर कंपनी से रिलेटेड दोस्तों वीडियो बनाता हूँ कि दुबई में कौन सी कंपनी अच्छी है, किस कंपनी में आपको जाना चाहिए, किस कंपनी में नहीं जाना चाहिए। बट कुछ ऐसा अपडेट आ जाता है दोस्तों, तो मैं सोचता हूँ अपने वर्कर भाइयों के साथ शेयर करूँ। तो ये सब चीज़ नॉलेज लेने से दोस्तों हम लोग को कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि आप दो तरीके से सीख सकते हो, या खुद गलती करो या खुद सीखो, या फिर दूसरे के गलती से सीख लो। अगर दूसरे के गलती से सीखोगे दोस्तों तो ईजिली आप सीख सकते हो। इसलिए हम लोग को ये सब चीज़ दोस्तों कोई भी कहानी या कोई भी न्यूज़ से सिर्फ सुनना नहीं है, इसे सीखना है, अपने लाइफ में अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये जो न्यूज है दोस्तों, मैं ये एशिया का कोई भी ये है, ये लिखा नहीं दोस्तों क्योंकि कंट्री का नाम नहीं लिखा है और ना नाम, मतलब वो वर्कर का नाम भी नहीं लिखा, बट ये लिखा है कि एशियन वर्कर है, ठीक है। अब किस कंट्री के, मगर मुझे लगता है कि इंडियन वर्कर ही होगा क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो इंडियन वर्कर ही काम करते हैं। कम से कम 34 लाख यहाँ पे इंडियन वर्कर काम करते हैं। तो क्या हुआ दोस्तों, अबू धाबी के अंदर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम चल रहा था, ठीक है। बट वो जो वर्कर के साथ ऐसा हुआ, वो वर्कर दोस्तों दूसरे कंपनी में काम कर, मतलब दूसरे सप्लाई कंपनी में, आपको मालूम है सप्लाई कंपनी में क्या होता है कि वो दूसरे कंपनी में जाकर काम करते हैं। एक सप्लाई कंपनी होता है तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने वर्कर को दूसरे कंपनी में घंटे के हिसाब से देते हैं कि ये मेरा वर्कर है, एक घंटे करेगा तो इतना चाहिए, दो घंटे करेगा तो इतना चाहिए, और फिर उस घंटे से हाफ से ज़्यादा लगभग कंपनी रखती है और कुछ पैसा वर्कर को देती है। तो उस तरह से ये वर्कर दोस्तों जो मेन कंपनी था, मेन कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसमें काम करने गया। तो रात के समय था दोस्तों, तो लगभग रात के समय पे पाइप फिटिंग का काम चल रहा था। पाइपलाइन जो पानी चिल वाटर का पाइपलाइन होता है दोस्तों, मोटा मोटा पाइप है, उसमें ठंडा पानी जाता है, मतलब पानी जाता है इसमें बड़े वाला सेंट्रल एसी में, तो उसका काम चल रहा था दोस्तों। तो रात के समय क्या हुआ कि किसी कारण, आई डोंट नो, मतलब वहाँ पे दुर्घटना हो गया। दुर्घटना हो जाने के कारण उनका पैर है ना, एक पैर पूरी तरह टूट गया, ठीक है। पैर पूरी तरह टूट गया मतलब वो कामयाब नहीं रहा, उनका पैर मतलब काटना पड़ा और वो एक पैर मतलब अपाहिज हो गया। वो लाइफ में कुछ दूसरा मेहनत वाला या और कोई भी काम नहीं कर सकता, बैठ के कुछ भी कर सकता है बट मेहनत वाला कुछ ऐसा काम नहीं कर सकता। जब कंपनी के पास गया तो कंपनी सीधा हाथ उठाया कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम के वजह से ऐसा ऐसा हुआ है, ये इसका जिम्मेवार तुम खुद हो, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ कि वो जो वर्कर थे बहुत चालाक थे और उनको जो गाइड करने वाले भी बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। इसलिए दोस्तों ये सब वीडियो आप लोग के लिए ज़रूर हेल्पफुल होने वाला है, और ये सब वीडियो एक वर्कर दूसरे वर्कर को शेयर करेगा तभी ये सब नॉलेज उन लोग तक पहुंचेगा। क्योंकि बहुत सारे वर्कर के साथ ऐसा होता है, हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, या कोई कोई यहाँ पे मर भी जाते हैं, उनको एक रुपए नहीं मिलता है। तो दोस्तों उसको भी नहीं मिलता, बट वो अपना दिमाग लगा या फिर उनको गाइड करने वाला लोग मिला तो ये कंपनी से 50 लाख रुपया उन्होंने वसूल किया। और वो क्योंकि अगर आप काम नहीं भी करेंगे तो 50 लाख रुपया अगर मिल भी गया, कोई भी बैंक में भी रख देंगे, तो 30-40 हज़ार जो उनकी सैलरी थी और हर मंथ आते रहेगा, तो उनको टेंशन नहीं रहेगा क्योंकि हार्ड वर्क तो कर नहीं सकते, मेहनत के काम कर नहीं सकते। तो वो क्या किए कि वो मामला लेकर कोर्ट में चले गए। अब बहुत सारे कोर्ट के नाम से डर जाते हैं। कोर्ट का सिंपल सा ये रूल है दोस्तों, यहाँ यूएई गवर्नमेंट कोर्ट का, इंडिया का कोर्ट की बात अलग है दोस्तों, मगर यूएई का कोर्ट का बात अलग है। यूएई कोर्ट का रूल है कि अगर मान लिया आपको अगर कोई भी केस कर रहे हो या कोई भी मतलब ये कर रहे हो, तो एक लाख दरहम से इंडियन मनी मतलब हो गया 20 लाख, 1 लाख दरहम से के ऊपर का केस अगर है तब तो उसमें आपको चार्ज लगेगा, मतलब कुछ पैसा वकील को या कुछ भी थोड़ा देना पड़ेगा। बट उसके नीचे के है तो वो पैसा आपको नहीं देगा, वो भी पैसा मिलने के बाद, ऐसा नहीं कि पहले पैसा दे देना उसके बाद केस फाइल होगा। जब आपको मिल जाएगा तो उसमें से उसको वो मतलब जो भी वकील है या जो उनका लॉ के हिसाब से जो खर्च है वो आपको उतना परसेंट काट कर मिलेगा। तो दोस्तों उन्होंने क्या किया, सीधा केस कर दिया और बोला कि मेरे साथ साथ ऐसा ऐसा हो गया। तो जब बड़ी कंपनी जो मेन कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास ये मामला गया तो वो भी सीधा उठा दे कि ये तो मेरा वर्कर नहीं था, ये दूसरे कंपनी का वर्कर था, यहाँ पे मतलब आकर काम कर रहा था, ठीक है, वो उसको मैं रेंट पर लिया था, घंटे के हिसाब से लिया था। बट गवर्नमेंट के पास एक बार मामला चल जाता लोग गवर्नमेंट के नाम से ही डर, केस करना पड़ेगा मेरे को, बार बार दौड़ना पड़ेगा। तो कुछ भी हासिल करना है दोस्तों तो अब तो मेहनत करना ही पड़ेगा।
तो उसने क्या किया सीधा कि वो केस फाइल कर दिया और अपना जो भी समस्या है। यहाँ पे एक चीज़ आपको बहुत ध्यान देना है दोस्तों, आपको झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। आप अपने माइंड से कुछ अनगढ़ंत बात नहीं करना है, नहीं तो फिर आप फंसोगे। जो सच है वो सच बोलना है, जो भी सच है। अगर सच नहीं बोलोगे दोस्तों, अगर झूठ बोलोगे तो एक झूठ छुपाने के लिए हज़ार झूठ बोलना पड़ेगा और फिर आप आज ना कल आप फंसोगे। तो इसलिए जो सच था वो सिंपल सा वो बता दिया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। अब क्या क्या जो यहाँ का लीगल टीम है, जो चेकिंग करने वाले इंश्योरेंस का टीम है, लीगल टीम है, वहाँ पे गया, मुआयना किया जहाँ पे इनका एक्सीडेंट हुआ था दोस्तों। तो वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि जो मेन कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो सेफ्टी प्रॉपर वहाँ पे सही नहीं था, जो भी सेफ्टी ऑफिसर वहाँ पे नहीं था, कोई बड़ा सुपरवाइज़र नहीं था। क्योंकि जहाँ पे काम होगा, अगर 10 वर्कर 5 वर्कर काम कर रहे तो वहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर भी चाहिए, उस कंपनी का सुपरवाइज़र चाहिए, फॉरमैन चाहिए, हर लोग इंजीनियर चाहिए। तो वहाँ प्रॉपर ये लोग रात में काम बताकर और अपने कैंप में जाकर सो जाते थे और ये लोग बेचारे अपने दिमाग से काम करते थे। तो ये मिस्टेक, क्योंकि ये कंपनी पर ब्लेम आ गया कि क्यों नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट दोनों की तरफ से है, ये वर्कर के साइड भी है और ये कंपनी के, दोनों की ज़रूरत है इस कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए। वर्कर भी चाहिए और कंपनी भी चाहिए, तभी ये कंट्री भी आगे बढ़ेगा, वर्कर को भी फायदा होगा, कंपनी को भी फायदा होगा। तो ये कंपनी क्या बोली कि नहीं मेरे पास ऐसा नहीं हुआ, इसलिए लीगल टीम जाकर चेक किया, वहाँ पता चला कि वो बहुत गड़बड़, मतलब प्रॉपर सेफ्टी नहीं था, ना ऑफिसर था इस तरह से। फिर लास्ट में एक दो महीने बाद बहुत सारे लोग तो हार मानकर छोड़ देंगे, बोलेंगे नहीं नहीं मेरे को केस नहीं लड़ना है, मेरे को जो 150 2000 4000 दे रही है कंपनी वो लेकर भाग जाना है। बट वो ने लीगल एक्शन लिया, बोला कि मैं तो अब काम नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी भी लायक, मेरे बच्चे हैं, मेरे बीवी है, भाई है, बहन है, उसको पालूंगा कैसे, मेरे को जितनी सैलरी मिलती थी उसी से तो मेरा घर चलता था, ठीक है। तो उन्होंने ये सब अपना मामला दर्ज कराया था कोर्ट में। जब ये दोस्तों एक दिन आज ही अभी स्क्रीनशॉट में, जैसा मैं बताया कि लगा दूंगा स्क्रीनशॉट में आपको, खलीफ टाइम में जस्ट आया है तो आप देख सकते हो, आज के दिन ही फैसला आया दोस्तों। तो उनको दुबई के मतलब लगभग ढाई लाख दरहम दोस्तों मिला। ढाई लाख दरहम बोले तो इंडियन मनी आप समझ लो तो 50 लाख से ऊपर हो गया दोस्तों। तो ये बहुत अच्छा बात है, अगर आप अपने हक के लिए लड़ोगे दोस्तों तभी आपके साथ ऐसा हो सकता है, हक के लिए अगर नहीं लड़ोगे तो फिर आपको कोई भी हेल्प करने वाला नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने वर्कर भाइयों के तरह ये सब वीडियो शेयर किया करो ताकि उन लोग को भी इसका इन्फॉर्मेशन मिल सके। बहुत सारे आप लोग को भी जानने पहचाने वाले होंगे कि यहाँ पे कुछ हो जाता है और कंपनी बोलता है ये लो 10,000 20,000 दरहम और किसी तरह इसको बॉडी उडी ये करा कर भेज देती है। बट अगर आप राइट पर हो दोस्तों तो आप खुद एक्शन लो, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो खुद दूसरे लोग नहीं आएंगे। अपना आंसू अगर गिरे तो खुद पोंछना दोस्तों, दूसरे लोग पूछेंगे तो सौदा करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप करोगे तभी आप लाइफ में जो भी आपको हक का पैसा है या कुछ भी है आपको मिल सकता है। और जो भी सवाल है दोस्तों, चलता वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ आप कमेंट करो, कुछ कन्फ्यूजन है या कोई भी डाउट है तो ज़रूर मैं रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा दोस्तों। अगर मैं तुरंत रिप्लाई नहीं दूँ तो एक घंटा दो घंटा चार घंटा एक दिन रुक जाया करो, ज़रूर मैं पढ़ता हूँ और रिप्लाई देने का कोशिश करता हूँ। तो मिलता हूँ दोस्तों नए अपडेट के साथ, जब तक जय हिंद।